कि नहीं? हाँ हाँ समझे समझे, चल चल शुरू करते हैं सब साथ में। सीखो हम जैसे पुराने चावलों से सीखो। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब शानदार सितंबर ने हमें एक और ट्विस्ट दे दिया है। मैं हर दिन कह रहा हूँ कि 2023 का सितंबर मेमोरेबल और लाजवाब रहने वाला है। जी दोस्तों, अभी तक जवान, टाइगर 3, सालार, मिशन रानीगंज जैसी दिग्गज मूवीज़ ने पहले ही इतना ज़्यादा हाइप सेट कर दिया, जिसमें से जवान तो मूवी रिलीज कर दी गई है और रोज़ तबाही मचा रही है, एवरीवन नोज। उसके बाद अब वेलकम 3 का टीजर आ गया है भाई। जी हाँ दोस्तों, टीजर अनाउंसमेंट का वीडियो वेलकम 3 का आ चुका है, जो टाइटल करी गई है थर्ड पार्ट को वेलकम टू द जंगल। ऑनेस्टली बोलूँ तो यस, टीजर बहुत सॉलिड है, बहुत दमदार है और बहुत ही ज़्यादा फनी है। मज़ा आ रहा था, मतलब कॉमिक टाइमिंग अच्छी निकल रही थी। देखो जैसा हाइप वेलकम की फ्रेंचाइजी ने स्टार्ट किया था, फुल कॉमेडी मूवी, अलग लेवल का कंटेंट था जब वेलकम आई थी, और उसके बाद उसका जब सीक्वल सेकंड पार्ट आया था तो दोनों ही पार्ट ऑसम थे। फुल फन कॉमेडी ड्रामा मूवी थी और वेलकम सीरीज जानी भी इस चीज़ के लिए ही जाती है। तो अभी जो सीक्वल का दौर चल रहा है, जहां OMG 2 पहले ही आ चुकी है और हिट भी हुई, गदर 2 आई वो तो ब्लॉकबस्टर हिट गई, लेकिन वेलकम 3 का ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि कास्ट बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी कास्ट को मैनेज कर पाना एक बार के लिए टफ हो जाता है। और बड़ी कास्ट वाले कंटेंट को रद्दी के भाव बिकते भी देखा है हमने पिछले कुछ समय में, लाइक सर्कस और टोटल धमाल जैसी मूवी। इनमें कास्ट बड़ी थी, मैनेज नहीं हो पाया, लेकिन सबको बेस्ट एंगल पे बिठा पाना डायरेक्टर के लिए एक बार के लिए भारी पड़ जाता है। तो इसी चीज़ का डर वेलकम 3 से भी लग रहा था, क्योंकि ये सुपर कंटेंट है और वाकई में ये थर्ड पार्ट वेलकम का नॉस्टैल्जिया बेस पर चल भी जाएगा, क्योंकि पहले के पार्ट ब्लॉकबस्टर हिट हैं। लेकिन जहाँ डायरेक्टर का नाम अहमद खान देखा मैंने, मेरी जो टीजर देखकर गूजबम्स उठ रहे थे, जो मैं हंसी के ठिठोले लगाकर मूवी इमेजिन करने लगा था कि यार टीजर तो मज़ेदार है, कॉमिक टाइमिंग भी सभी के द्वारा मस्त बिठाई जा रही है, तो मूवी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, कौन सी कहानी देखने को मिलेगी, मतलब मज़ा आएगा, क्योंकि कास्ट बड़ी है, दमदार दमदार चेहरे हैं, तो मज़ा आएगा। लेकिन जब अहमद खान ये डायरेक्टर का नाम देखा, मेरी आँखों में सब ये धुंधला होते नज़र आने लग गया, क्योंकि ऐसी बड़ी स्टारिंग से सजी फिल्म को संभालने का कैलिबर मुझे इनमें दिखता नहीं। और इतिहास गवाह है, इनकी पिछली मूवीज के लिए सेम ये वही बात हो गई कि जब हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हुआ था और साथ में जब नाम फराज सामजी का, ये डायरेक्टर का नाम जब जुड़ा, तो सबके चेहरे लटक गए। सेम यहां पर हो रहा है। अगर मैं बताऊं तो ऐसी बड़ी स्टारिंग कास्ट से सजी फिल्म को मैनेज प्रियदर्शन जी के द्वारा करा जाता है, जिन्होंने मालामाल वीकली और हलचल जैसी दिग्गज मूवी दे रखी है। खैर भैया, राम बचाए वेलकम फ्रेंचाइजी को। हाँ, मूवी क्रिसमस पर आनी है, लेकिन इस साल नहीं, क्योंकि 2023 इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ का झटका झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सितंबर ने जवान अपने नाम कर लिया है और अक्टूबर लियो अपने नाम कर लेगी और नवंबर टाइगर 3 के नाम जाएगा, दिसंबर हमारा रणबीर कपूर पहले ही तैयार है अपनी एनिमल मूवी के लिए, और जनवरी में प्रभास की मूवी दोबारा आएगी, कल की 28-29। तो 20 दिसंबर 2024 में दिसंबर को क्रिसमस फेस्टिवल के पास मूवी आनी है वेलकम टू द जंगल वेलकम 3। दूसरा, कास्ट में इतने सारे नाम ऐड किए हैं, एक नंबर है, संजय दत्त देखने को मिल रहे हैं, सुनील शेट्टी देखने को मिल रहे हैं, अरशद वारसी, दिशा पटानी, रवीना टंडन, जैकलीन, परेश रावल तो थे ही, लेकिन उदय और मजनू नहीं दिख रहे हैं। भाई दिल बैठ गया, क्योंकि वेलकम फ्रेंचाइजी का अगर मैं नाम लेता हूँ या इसका नाम आता है, तो अक्षय कुमार के साथ साथ उदय और मजनू का भी नाम आता है, तो उनकी कमी बहुत महसूस होगी। और मैं तो कहूँगा वेलकम फ्रेंचाइजी की जान थे अनिल कपूर और नाना पाटेकर। अब इन दोनों को हटाकर सही करा या नहीं करा, वो अब हमें मूवी में देखकर पता लग ही जाएगा। तो आप लोगों का क्या कहना है, अगर आप लोगों ने भी टीजर को अगर देख लिया है तो आपको टीजर कैसा लगा? दूसरा, क्या उदय और मजनू को हटाकर ये एक बड़ा फैसला जो लिया है, ये सही है या गलत है, ये आप लोग बताएंगे आप कमेंट बॉक्स पर। तो बाकी मूवी रूबी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।